हाय एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम अगेन टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक यानी एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न भी होती है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ईएफ कोड इन 1972। तो नॉर्मलाइजेशन के इस टॉपिक को जिस पर्सन ने पहली बार प्रपोज्ड किया है, जिस पर्सन ने पहली बार डेवलप किया, उस पर्सन का नाम है ईएफ कोड। और उसने नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 1972 में। तो ईएफ कोड जो है वो ब्रिटेन में पैदा हुए थे और वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और वो एक मैथमेटिशियन भी थे। तो उन्होंने आईबीएम में रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया था। तो वही ईएफ कोड ने 1972 में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? बेसिकली इट इज ए बॉटम अप डिजाइनिंग टेक्निक फॉर रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस की डिजाइनिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक बॉटम अप डिजाइनिंग टेक्निक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस इन एफिशिएंट मैनर। तो डेटाबेस में बहुत ही एफिशिएंट मैनर में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो है ये एक तरीका है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है, तरीका है, डेटाबेस में एक एफिशिएंट तरीके से, एक एफिशिएंट मैनर में। तो अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है हम बहुत सारे रीजंस की वजह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिसमें पहला जो रीजन है वो ये है कि रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। तो टेबल में डुप्लीकेट डेटा आ जाता है, डेटा जो है डेटा का डुप्लीकेशन होता है, डेटा एक ही डेटा बार बार उठ करके टेबल में आता है, तो उसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, उसको डेटा का डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसी डेटा रिडंडेंसी या डेटा के डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं जो है कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखी जाती है। टेबल का मतलब फाइल, डेटाबेस में फाइल को ही टेबल बोलते हैं। तो टेबल के फॉर्म में कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। तो जैसे एम्प्लॉई के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉई टेबल में, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में, लोकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लोकेशन के टेबल में। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी में किस तरह की इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही अलग अलग टेबल्स के नाम दिए जाते हैं, अलग अलग फाइल्स के नाम दिए जाते हैं, और अलग अलग टेबल्स को बना करके उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कंपनी के इंफॉर्मेशन को टेबल्स में रखने के लिए टेबल्स को जब क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स का नाम देते हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगाते हैं, नोटनल कॉन्स्टेंट, यूनिक कॉन्स्टेंट, ये सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह जब अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि डुप्लीकेट डेटा बार बार स्टोर हो जाता है। तो डुप्लीकेट डेटा बार बार स्टोर हो जाता है तो उसे डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, उसे डेटा का डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो उस डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए, उस डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो है
फर्स्ट जो है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि टेबल से डुप्लीकेट डेटा या फिर रिडंडेंट डेटा को रिड्यूस किया जा सके। सेकंड जो है, जब हम किसी टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जिसको इंसर्शन एनोमलीज बोलते हैं। जब किसी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसको तो डिलीट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको डिलीशन एनोमलीज बोलते हैं। उसके बाद जब हम किसी टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो अपडेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज को दूर करने के लिए जो है हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। थर्ड जो है रिमूव्स इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स, तो नॉर्मलाइजेशन करके हम डेटा को कंसिस्टेंट स्टेट में रख सकते हैं, कंसिस्टेंटली डेटा को टेबल में स्टोर करके रख सकते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो उसके बाद नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो नॉर्मलाइजेशन करने से इंफॉर्मेशन की लॉस नहीं होती है, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेटाबेस का स्पेस सेव होता है, क्योंकि अननेसेसरी डेटा अगर स्टोर हो जाए तो उससे क्या होगा, डेटाबेस का स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करेगा, तो डेटाबेस का स्पेस सेव हो जाता है। तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिक्स टाइप्स के होते हैं, जिसको फर्स्ट एनएफ बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड एनएफ बोलते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो मेनली जो है फोर टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेनली चार तरह के नॉर्मलाइजेशन को ही यूज किया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो इस स्लाइड में अब जो है नॉर्मलाइजेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो आइए समझते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो जब हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल्स है, वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रूल्स है। फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए ऑल द एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक वैल्यू और सिंगल वैल्यू। तो एक टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स का मतलब जितने भी कॉलम्स नेम होंगे, तो उस कॉलम्स नेम में वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हमेशा सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ईएमपी टेबल है और ईएमपी टेबल में ईएमपी नंबर वाले कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है जॉन, वो दो वैल्यू है, वो एटॉमिक वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू नहीं है। तो जॉन कोमा मैरी, ये मल्टी वैल्यू है, डबल वैल्यू है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल में इस तरह की वैल्यू, मल्टी वैल्यू अलाउड नहीं की जाती है। उसके बाद अनिल है, मोहन है, यहाँ पे भी दो वैल्यू है, रोहन है, सोहन है, यहाँ पे भी दो वैल्यू है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस तरह की वैल्यू अलाउड नहीं की जाती है। सेकंड जो रूल है वो ये है कि नो रिपीटिंग ग्रुप, यानी कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कॉलम्स के नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स के जो नेम है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ईएमपी टेबल में हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है वो है ईएमपी नंबर, और सेकंड कॉलम जो हमने लिया है वो भी हमने ईएमपी नंबर ही लिया है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिपीटिंग ग्रुप, यानी कि कॉलम्स के नाम रिपीट हो रहे हैं, एट्रीब्यूट के नाम रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस तरह के रिपीटिंग ग्रुप को जो है अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो ये है कि किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो FFD, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है,
कि एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए और बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की वाला कॉलम होना चाहिए और बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास एक कॉलम, और ईएमपी नेम है, ईएमपी सैलरी है, डीपीटी नेम है, तो ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी और डीपीटी नेम जो है, ये तीनों कॉलम्स जो है ईएमपी आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि अगर कल को मैं किसी की सैलरी चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही सैलरी को चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी के डिपार्टमेंट का नाम मुझे चेंज करना है तो मुझे उसके लिए एम्प्लॉय आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है कि एक प्राइमरी की वाला कॉलम होना चाहिए और बाकी जितने भी कॉलम्स है वो सारे के सारे कॉलम्स जो है उस प्राइमरी की वाले कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है इसको डिटेल में समझने के लिए मेरे जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले टॉपिक को जा करके देखिए। तो उसमें जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्ट वन वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने बताया है कि FFD फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे थर्ड रूल जो है वो ये है कि थर्ड रूल में आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूल को फॉलो करना है। दैट मीन्स कि ए टेबल मस्ट हैव ए यूनिक प्राइमरी की, कि एक टेबल के अंदर जो है यूनिक प्राइमरी की होनी चाहिए दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड डिफरेंटली, और उस प्राइमरी की को यूज करके हम उस टेबल में इच रिकॉर्ड को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईएमपी टेबल में हमारे पास प्राइमरी की जो है वो ईएमपी नंबर है, तो ईएमपी नंबर हमारे पास जो प्राइमरी की है तो वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 105 है, 106 है, 107 है, तो इसको हम यूनिक प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे 105 है, तो 105 अगेन अगर मैं प्राइमरी की में यहाँ वैल्यू डालता हूँ तो ये रूल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल को वायोलेट करता है, मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल में हमेशा यूनिक प्राइमरी की ही होनी चाहिए और बाकी के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स जो है इस यूनिक प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, ताकि कल को मैं अगर कोई डिपार्टमेंट नेम पे कोई डिपार्टमेंट का नाम अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज मैं एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ही कर सकता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर जो है वो यूनिक प्राइमरी की है और यूनिक प्राइमरी की हमेशा उस टेबल में एक रिकॉर्ड को जो है आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उस टेबल में किसी भी कॉलम्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे कॉलम्स में वैल्यू सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद कोई भी रिपीटिंग ग्रुप या कोई भी रिपीटिंग कॉलम्स नहीं होना चाहिए, और जो है एक प्राइमरी, एक यूनिक प्राइमरी की का कॉलम होना चाहिए और बाकी जितने भी कॉलम्स है वो उस यूनिक प्राइमरी की के कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में माना जाएगा। तो दिस इज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अगर एट्रीब्यूट्स में एटॉमिक वैल्यू नहीं है, मल्टी वैल्यू है, तो दिस इज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर कॉलम्स के नेम रिपीट हो रहे हैं तो दिस इज अगेन नॉट अलाउड इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और अगर प्राइमरी की यूनिक नहीं है, प्राइमरी की भी रिपीट हो करके आ रही है और सारे कॉलम्स उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो दैट इज अगेन नॉट अलाउड इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब जो है हमारे पास ईएमपी टेबल है जो पिछली स्लाइड का ही है, और पिछली स्लाइड का ये जो टेबल है ईएमपी, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज क्योंकि
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए सारे एट्रीब्यूट्स जो है उसमें एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे ईएमपी नंबर वाले एट्रीब्यूट्स में, कॉलम्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू नहीं है, डबल वैल्यू है। जॉन कोमा मैरी, अनिल कोमा मोहन और रोहन कोमा सोहन। तो जो है ऑल द एट्रीब्यूट्स शुड बी एटॉमिक और सिंगल वैल्यू, तो सारे एट्रीब्यूट्स में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद सेकेंड रूल जो है वो ये है कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, नो रिपीटिंग ग्रुप, दैट मीन्स कि कॉलम्स के नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईएमपी नंबर और ईएमपी नंबर, ये दोनों ही कॉलम्स के नेम सेम है, तो वो नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है, हमेशा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल में जो है एक यूनिक प्राइमरी की होनी चाहिए, और बाकी के जो कॉलम्स है एक यूनिक प्राइमरी कॉलम होना चाहिए, और बाकी के जितने भी कॉलम्स है वो उस यूनिक प्राइमरी की वाले कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो ईएमपी टेबल में जो है ये चीजें हमें नहीं दिख रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईएमपी टेबल जो है हमारा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या करना है, टू ब्रिंग दिस टेबल टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो ईएमपी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए भी स्प्लिट द टेबल, हम ईएमपी टेबल को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनटू टू टेबल्स, दो टेबल्स में तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जो है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड होकर के टेबल आ जाता है, वी हैव द रिजल्टिंग टेबल, दैट मीन्स कि हमारे पास नॉर्मलाइज्ड टेबल है। तो ऊपर वाले ईएमपी टेबल को हमें जो है दो टेबल्स में तोड़ करके टेबल्स को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जिसमें हमें फॉलो करना है कि सारे एट्रीब्यूट्स में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और यूनिक प्राइमरी की होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने एम्प्लॉई नंबर लिया, और इसमें जितने भी वैल्यू है ये सारे यूनिक प्राइमरी वैल्यू है, यूनिक प्राइमरी की है। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम लिया मैंने, जिसमें फाइनेंस मार्केटिंग और प्रोडक्शन इसकी वैल्यू है, और डिपार्टमेंट नेम जो है फुल्ली डिपेंडेंट है ईएमपी नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एफएफडी वाले रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है, जिसमें एक तो प्राइमरी की वाला कॉलम होगा, यूनिक प्राइमरी की वाला कॉलम होगा, और बाकी के कॉलम्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे उस प्राइमरी की वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम का जो कॉलम है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ईएमपी नंबर वाले कॉलम में। अगर मैं आगे चल करके किसी भी एम्प्लॉई आईडी के डिपार्टमेंट का नाम अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो एम्प्लॉई नंबर के बेसिस पे उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में फर्स्ट टेबल हमारे पास आ गया है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा टेबल बनाया ईएमपी टेबल से, तो इसमें क्या किया मैंने कि इसमें जो है ऊपर रिपीटिंग ग्रुप में जो है ईएमपी नंबर 2 बार आ रहा है, और इस वाले ईएमपी नंबर में जॉन मैरी, अनिल मोहन, रोहन सोहन ये एम्प्लॉई नंबर नहीं हो सकते हैं, ये एम्प्लॉई के नाम हो सकते हैं। तो एम्प्लॉई नंबर के जगह पर मैंने क्या किया है, एम्प्लॉई नेम ले लिया यहाँ पे, और एम्प्लॉई नेम लेने के बाद जॉन की जो एम्प्लॉई आईडी है वो 105 है, और मैरी की भी जो एम्प्लॉई आईडी है वो 105 है, दैट मीन्स जॉन और मैरी की जो एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नंबर है वो 105 है। तो यहाँ पर मैंने जॉन और मैरी का जो है एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई नंबर 105 105 ये ले लिया। यहाँ पे अनिल और मोहन का जो एम्प्लॉई आईडी है या एम्प्लॉई नंबर है वो 106 है, तो यहाँ पे अनिल और मोहन का जो है एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई नंबर मैंने 106 106
6 ले लिया। उसके बाद रोहन और सोहन का जो है, इसकी भी एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर 107 है, तो रोहन और सोहन की एम्प्लॉय नंबर जो है मैंने 107 107 ले लिया। और यहाँ फर्स्ट टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, ये आपका प्राइमरी की हो गया, और एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे सेकंड टेबल में भी है, ये आपका फॉरेन की हो गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और इस एम्प्लॉय नंबर को मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की से जोड़ करके दोनों टेबल को आपस में रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे ईएमपी नेम को, अगर मैं ईएमपी नेम वाला जो कॉलम है हमारा, वो फुल्ली डिपेंडेंट हो गया इस वाले ईएमपी नंबर पे। अब इन फ्यूचर मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम चेंज करना है या किसी एम्प्लॉय के नेम को इंसर्ट करना है, तो उसके एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे मैं उसके नाम को चेंज कर सकता हूँ, या नए एम्प्लॉय नंबर से मैं उसके नाम को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है ईएमपी नेम वाला कॉलम जो है पूरी तरह से ईएमपी नंबर यानी कि यूनिक प्राइमरी की, ये फॉरेन की भी यूनिक प्राइमरी की ही माना जाता है, इसके ऊपर ईएमपी नेम वाला कॉलम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। तो इस तरीके से ऊपर वाला ईएमपी टेबल जो है दो टेबल्स में स्प्लिट हो करके पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड हो गई है, नॉर्मलाइज्ड हो गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय के, दो एम्प्लॉय के नेम का, नेम की जो आईडी है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती है। यहाँ पे जॉन और मैरी, ये जॉन और मैरी जो है इन दोनों की आईडी जो है, एम्प्लॉय नंबर जो है वो सेम है, तो डेटाबेस में ये अलाउ नहीं करता है। यानी कि हर एम्प्लॉय के नेम के लिए जो है अलग एम्प्लॉय आईडी होगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर ही एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब किसी भी रिकॉर्ड में अगर मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो वो एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो ये ईएमपी वाला ऊपर वाला जो टेबल है, ये नॉर्मलाइज टेबल तो हो गया है, बट जो है एम्प्लॉय के नेम जो है, दो एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, वो सेम है, जो कि डेटाबेस में दो एम्प्लॉय की आईडी सेम नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन के सेकंड टॉपिक यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।